हेलो स्टूडेंट्स एज यू नो दैट वी आर डूइंग रिविजन सीरीज सो आज हम एक नया चैप्टर रिवाइज करेंगे दैट इज़ जनरल एंट्रीज अब जनरल एंट्रीज में मैं आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी इसमें सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जनरल एंट्रीज व्हाट डू मीन बाय जनरल एंट्रीज द बुक इन विच और ट्रांजेक्शन इज़ रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्राम सोर्स डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड बुक्स ऑफ जर्न औरिजनल एंट्री ये वो बुक्स होती है जिसमें हम फर्स्ट टाइम अपने ट्रांजेक्शन्स को जो रिकॉर्ड करते हैं उन्हें हम बोलते हैं बुक्स ऑफ जर्नरल या फिर बुक्स ऑफ़ औरिजनल एंट्री ठीक है अब इसका फॉर्मैट देख लेते हैं कि फॉर्मैट ऑफ जर्नरल जर्नल बनाने का तरीका हमारा होता कैसे है सबसे पहले आप पांच कॉलम बनाएंगे उसमें सबसे पहले डेट होगा हमारा कॉलम होगा डेट का देन पर्टिकुलर का देन लेजर फोलियो का अमाउंट का डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट ठीक है तो इसमें बेसिकली फाइव कॉलम्स आपको बनाने हैं अब सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट बात कि जनरल एंट्री पास करने से पहले आपको मैं दो इम्पॉर्टेंट रूल्स बताऊंगी जिससे कि आप जनरल एंट्रीज आसानी से पास कर सकते हो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है सबसे पहले जो पॉइंट है वो हमारा है कि आपको ये देखना है कि बिज़नेस एंड बिजनेस मैन दीज टू आर डिफरेंट ठीक है एक है हमारा बिज़नेस बिज़नेस में एज यू नो कि बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती है उन ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करते हैं रिकॉर्ड करते हैं किस वे में रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमेटिक मैनर में हम रिकॉर्ड करते हैं तो आप बेसिकली जब भी जनरल एंट्री पास करोगे तो ये ध्यान में रखोगे कि आप बिजनेस के सीए ए हैं अकाउंटेंट हैं और आप बिजनेस के लिए जनरल एंट्री पास कर रहे हो ना कि बिजनेसमैन के लिए दीज टू आर डिफरेंट बिजनेस एंड बिजनेसमैन ये दो हमारी अलग अलग चीज हैं बिजनेस अलग है बिजनेसमैन अलग है ठीक है अकाउंटिंग इज ऑलवेज डन फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ बिजनेस मैन तो ये बात हमेशा ध्यान रखना सेकेंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपको अपने टिप्स पे याद होना चाहिए रूल्स ठीक है फाइव एलिमेंट्स हमारे कौन से हैं कैपिटल लाइबिलिटी इनकम एंड गेन एसेट्स एक्सपेंस एंड लॉसेस ठीक है ये हमारे फाइव रूल्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए ये रूल्स हैं क्या आइए देखते हैं ए सबसे पहले तो एसेट्स एंड एक्सपेंसेस ठीक है ऑल द एसेट्स एंड एक्सपेंसेस जब ये हमारी इनक्रीज होंगी तब हम इनको डेबिट करेंगे एंड वेन दे विल डिक्रीज तो हम इनको क्रेडिट करेंगे ठीक है ऐसे ही एल आई सी एल आई सी इज नॉट लाइफ इंश्योरेंस इट्स लाइबिलिटी इनकम एंड गेन कैपिटल जब ये इंक्रीज होंगे तो हम इनको क्रेडिट करेंगे एंड डिक्रीज होंगे तो हम इनको डेबिट करेंगे ठीक है ये जो फाइव मैंने बताए हैं इनको अच्छे से आप अपने टिप्स पे याद कर लो फिर देखना क्वेश्चन कितने आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं ये एक ट्रिक है ठीक है चलो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं इससे

पचास हजार से इन्होंने क्या किया है बिजनेस को स्टार्ट किया है तो इसकी जो एंट्री करेंगे वो क्या करेंगे सबसे पहले तो दो एलिमेंट्स इसमें दो एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे एक तो हमारा कैश ठीक है हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैश से तो कैश आ रहा है और दूसरा एलिमेंट हमारा क्या है भाई कैपिटल कैश लेके आ रहे हैं तो हमारी कैपिटल भी तो आ रही है एक तरीके से ठीक है अब कैश इज हमारा एसेट्स ठीक है एंड कैपिटल हमारी क्या है कैपिटल इट्स कैपिटल ठीक है अब कैश एसेट है एसेट्स यहाँ पे हमारी इंक्रीज हो रही है इंक्रीज होती है तो हम इसको क्या करते हैं डेबिट ऑल एसेट्स एंड एक्सपेंसेस व्हेन दे इंक्रीज हम उसको डेबिट करेंगे एंड डिक्रीज हम उनको क्रेडिट करेंगे तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं तो इसीलिए हमने डेबिट किया है कैपिटल एल आई सी इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं भाई क्रेडिट करते हैं इसीलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे तो आप लिख सकते हैं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ठीक है अमाउंट हम लिख देंगे यहाँ पे फिफ्टी थाउजेंड अब जनरल एंट्री जब आप पास कर देते हो तो नीचे आपको नरेशन लिखना पड़ता है तो इसकी नरेशन आप क्या लिखोगे कैश बॉट द बिजनेस बाय ठीक है आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अब सेकेंड एंट्री हम देख लेते हैं परचेज गुड फॉर कैश ठीक है अब हमने कुछ परचेज किया है गुड्स को हमने परचेज किया है कैश में तो वही टू एलिमेंट्स हमारे क्या हो जाएंगे भाई एक तो हमारा कैश हो जाएगा एक हमारा परचेज हो जाएगा ठीक है अब कैश क्या आ रहा है गुड्स आ रहा है एंड कैश हम कैश जा रहा है तो कैश हमारा बेसिकली एसेट है अब एसेट्स हमारी डिक्रीज हो रही है तो हम इसको क्या कर देंगे क्रेडिट एंड परचेज हमारा क्या है इट्स एसेट अब एसेट आ रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है तो हम इसको कर देंगे डेबिट ठीक है तो फिर यहां पे हम क्या लिख लेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ठीक है नरेशन आप इसमें क्या लिखोगे गुड्स परचेज फॉर कैश गुड्स परचेज फॉर कैश अमाउंट हमारी कितनी है ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष अब हमने जो गुड्स परचेज किए हैं वो किससे किए हैं सुभाष से किए हैं अब आपको ये बात ध्यान में रखनी है जब भी नाम आ जाता है मतलब वो हमारी क्रेडिट परचेज है मतलब हमने जो सामान खरीदा है वो उधार पे खरीदा है ठीक तो है तो इसमें देखते हैं हम हमारे पास दो एलिमेंट्स कौन से होंगे भाई एक तो हमारे पास परचेज हो गया ठीक है एक हमारे पास सुभाष हो गया परचेज हमारा एसेट है अब एसेट्स आपको पता है इंक्रीज होता है तो हम करते हैं डेबिट सुभाष हमारी क्या है हमने उधार पे सामान खरीदा है मतलब वो हमारी लाइबिलिटी है एक तरीके का बर्डन है जो हमें आगे जाके इन फ्यूचर उसको देना है ठीक है तो लाइबिलिटी है लाइबिलिटी यहाँ पे क्या हो रही है हमारी इंक्रीज हो रही है तो वो क्या हो जाती है हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट तो क्या आ जाएगी एंट्री परचेज अकाउंट टू सुभाष अकाउंट ठीक है परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट ठीक है कितने से हम इसको कर देंगे ट्वेल्व थाउजेंड थ थाउजेंड अब इसमें हम क्या करेंगे नीचे जो नरेशन लिखोगे वो क्या होगा गुड्स परचेस्ड फ्रॉम सुभाष ऑन क्रेडिट ठीक है गॉट इट अब नेक्स्ट एंट्री परचेज फर्नीचर फॉर कैश हमने अब फर्नीचर खरीदा है किससे किसपे खरीदा है कैश से खरीदा है ठीक है यहाँ पे कैश है तो हम इसको कैश सेल हो रही है हमने नगद में खरीदा है फर्नीचर तो दो एलिमेंट्स हमारे क्या हो जाएंगे एक तो हो जाएगा फर्नीचर एक हो जाएगा हमारा कैश फर्नीचर आपकी क्या है एसेट्स एसेट्स आपकी इनक्रीज हो रही है तो क्या हो जाएगा डेबिट कैश भी आपका एसेट है बट वो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है एक सामान आ रहा है तो एक जा रहा है ठीक है तो इसको हम कर देंगे क्रेडिट तो क्या आ जाएगा फर्नीचर टू कैश यहां पे आप लिख दोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ठीक है हमने ये कितने का परचेज किया है सिक्स थाउजेंड का तो आप यहाँ पे अमाउंट लिख दोगे सिक्स थाउजेंड ठीक है और यहाँ पे नरेशन क्या करोगे भाई फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश ठीक है उसके बाद पेड कैश टू सुभाष हमने क्या किया कैश पे कर दिया सुभाष को तो इसकी एंट्री क्या पास करोगे आप एक तो आ जाएगा हमारा सुभाष और एक हमारा क्या आ जाएगा कैश ठीक है अब सुभाष कैश हमारा एसेट है अब एसेट हमारा क्या हो रहा है decrease हो रहा है ठीक है तो क्या कर देंगे हम उसको क्रेडिट और सुभाष क्या थी हमारी लाइबलिटी थी ऊपर हमने परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष किया था अब हम उसको क्या कर रहे हैं पेड कैश टू सुभाष ठीक है लाइबिलिटी थी एक बोर्डन था जो कि हमने क्या कर दिया उसको चुका दिया मतलब लेस डिक्रीज हो गया वो तो अब हमारी वो क्या हो जाएगी डेबिट ठीक है क्योंकि जब एल डिक्रीज होती है तो हम उसको करते हैं डेबिट तो सुभाष टू कैश हो जाएगा आपका सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ठीक है कितने से आप इसको कर दोगे एट थाउजेंड ठीक है अब आपको नरेशन पता चल गया होगा तो आप अपने आप कर लेना क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा ठीक है नरेशन आप इसमें क्या कर लोगे भाई पेड कैश टू सुभाष ठीक है अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट एंट्री देखते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश अब हमने क्या किया है परचेज गुड्स किया है फ्रॉम रवि अब देखो यहाँ पे नाम भी आ रहा है और कैश भी आ रहा है दोनों चीज आ रही है मतलब हमने यहाँ पे नगद पे सामान खरीदा है जब आपके पास नाम भी आ जाता है क्वेश्चन में और कैश भी आ जाता है तो उस केस में आपने नगद पे सामान खरीदा है मतलब आपने पैसा देके उस टाइम पे उसको पैसा दे दिया और वो गुड्स खरीदा है जब आपके पास नाम नाम अवेलेबल है ओनली नाम दिया होगा तो आपकी वो क्या होगी क्रेडिट परचेज होगी या क्रेडिट सेल होगा जो भी दिया होगा क्वेश्चन में ठीक है तो अभी परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश है तो इसमें वही दो अकाउंट आपके कौन से हो जाएंगे भाई परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश एक तो हमारा परचेज हो जाएगा और एक हमारा कैश हो जाएगा ठीक है परचेज अकाउंट हमारा परचेज गुड्स क्या है एसेट्स है अब एसेट्स हमारी इंक्रीज हो रही है तो हम उसको डेबिट करेंगे कैश भी हमारा एसेट है बट वो डिक्रीज हो रहा है हम उसको क्रेडिट करेंगे ठीक है कितने सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो हम क्या कर देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ठीक है सेवेन थाउजेंड फाइव एंट्री देख लेते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम रवि अब देखो यहाँ पे सिर्फ हमें नाम दिया हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि तो इसमें वही हमारे दो एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे एक तो हमारा परचेज और एक हमारा रवि ठीक है अब परचेज एसेट अब एसेट्स हमारी इंक्रीज हो रही है तो हम इसको कर देंगे डेबिट रवि हमारी एक तरीके से लाइबिलिटी है भाई हमें चुकाना है वो भी इंक्रीज हो रही है तो उसको कर देंगे क्रेडिट तो क्या आ जाएगा इसमें परचेज अकाउंट टू रवि अकाउंट परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट ठीक है अब कितने से फाइव थाउजेंड तो अमाउंट आप लिख दोगे फाइव थाउजेंड अब नेक्स्ट एंट्री हम देख लेते हैं बॉट मशीनरी फॉर कैश हमने मशीनरी खरीदी है किसमें कैश में तो इसमें क्या हो जाएगी हमारी जो दो एलिमेंट्स है वो क्या है एक तो हमारी मशीनरी है एक हमारी कैश हो जाएगी मशीनरी एसेट asset है एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो हम करेंगे डेबिट एंड कैश भी हमारा एसेट है बट ये डिक्रीज हो रहा है तो हम इसको करेंगे क्रेडिट तो ये क्या हो जाएगा मशीनरी अकाउंट टू कैश ठीक है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अब कितने से हमने खरीदी है भाई एट थाउजेंड ठीक है अब हम नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं पेड रेंट फोर हंड्रेड अब हमने रेंट पे किया है ठीक है अब रेंट पे किया है तो इसकी दो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे एक तो हमारा रेंट हो जाएगा एक हमारा कैश हो जाएगा अब रेंट क्या है भाई हमारा एक्सपेंस है खर्चा है ठीक है अब खर्चा इंक्रीज होगा तो हम इसको क्या करते हैं डेबिट कैश हमारा क्या है एसेट है एसेट्स हमारी डिक्रीज हो रही है तो हम इसको करते हैं क्रेडिट तो इसकी एंट्री कैसे करोगे आप रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ठीक है कितने से फोर हंड्रेड ठीक है अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा टॉपिक है डिस्काउंट ठीक है आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा डिस्काउंट अब जल्दी से डिस्काउंट हम रिवाइज कर लेते हैं कि ये होता क्या है डिस्काउंट बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं वन इज ट्रेड डिस्काउंट एंड वन इज कैश डिस्काउंट ठीक है अब हम देखेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट हमारा होता क्या है ट्रेड डिस्काउंट में बेसिकली दिस डिस्काउंट इज अलाउड बाई होल सेलर और मैनुफैक्चरर ठीक है ये जो डिस्काउंट है ये कौन देता है होल सेलर या फिर मैनुफैक्चरर टू द रिटेलर एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन लिस्ट प्राइज ऑफ गुड्स ये किसको मिलता है भाई जो रिटेलर्स होते हैं उनको दिया जाता है एट अ फिक्सड परसेंटेज ठीक है इट इज़ अलाउड वेन गुड्स आर परचेज इन बल्क क्वान्टिटी और लार्ज क्वान्टिटी ठीक है ये तब दिया जाता है जब हम गुड्स को परचेज करेंगे इन लार्ज क्वान्टिटी जब हम बहुत बल्क क्वान्टिटी में कोई सामान खरीदेंगे तभी हमें ये दिया जाता है डिस्काउंट दिस डिस्काउंट इज़ अलाउड बोथ ऑन क्रेडिट एज वेल एज कैश ट्रांजेक्शन एज इट इज़ रिलेटेड टू परचेज एंड नॉट टू देमेंट ये हम चाहे क्रेडिट परचेज करें चाहे कैश ट्रांजेक्शन करें हम कुछ भी करें हमें दोनों केसेस में पे uh, दोनों केसेस में डिस्काउंट मिलता है ठीक है नो सपरेट एंट्री इज पास फॉर द ट्रेड डिस्काउंट अब ये बात आपको अपने ध्यान में रखनी है जो ट्रेड डिस्काउंट होता है इसकी हम एंट्री पास नहीं करते सिर्फ इसकी क्या होती है पेमेंट जो होती है उसको डिडक्ट करके हम शो करते हैं ठीक है एज इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैश मेमो हम सिर्फ उसकी जो पेमेंट है वो डिडक्ट करते हैं अब एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं ठीक है इफ अ ट्रेडर सेल गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ वन लैख एट ट्वेंटी परसेंट ट्रेड डिस्काउंट फॉर कैश तो इसकी बेसिकली आप एंट्री क्या करोगे ठीक है इसकी बेसिकली एंट्री क्या हो जाएगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट ठीक है अब अमाउंट आप कैसे करोगे कैलकुलेशन आप कैसे करोगे वो देख लो ठीक है वन लाख के गुड्स थे भाई हमारे ठीक है ट्वेंटी परसेंट हमें डिस्काउंट मिला है ठीक है आप निकाल लोगे ट्वेंटी थाउजेंड आ गया अब क्या करना है वन लाख में से आप ट्वेंटी थाउजेंड लेस कर दोगे तो आपकी अमाउंट कितनी आ जाएगी एट्टी थाउजेंड जो आपकी फाइनल पेमेंट होगी वो करोगे आप एट्टी थाउजेंड ठीक है वो अमाउंट आप यहां पे लिख लोगे एट्टी ठीक है ट्रेड डिस्काउंट हम ऐसे करते हैं नेक्स्ट कैश डिस्काउंट समझ लेते हैं कि कैश डिस्काउंट हमारा क्या होता है ठीक है सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट मिलता है उसके बाद कैश डिस्काउंट मिलता है तो कैश डिस्काउंट क्या होता है दिस डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर ये कस्टमर को दिया जाता है ट्रेड डिस्काउंट किस में किस को दिया जाता था रिटेलर्स को ठीक है फॉर मेकिंग प्रमोट और अर्ली पेमेंट ये डिस्काउंट हमें हम कस्टमर्स को देते हैं फॉर मेकिंग अर्ली पेमेंट कि वो जल्द से जल्द पेमेंट कर दें कैश डिस्काउंट इज अलाउड ओनली इफ द कस्टमर मेक द पेमेंट विद इन अ फिक्स्ड पीरियड ये तभी दिया जाता है जब कस्टमर वो पेमेंट को एक फिक्स्ड पीरियड मतलब एक जो टाइम उसको दिया जाता है उसके अंदर अगर वो पेमेंट कर देता है तो ही कैश डिस्काउंट दिया जाता है सच डिस्काउंट मोटिवेट द कस्टमर टू मेक द पेमेंट एट द earliest, ये एक तरीके से लालच दिया जाता है उनको कि भाई वो जल्दी से क्या है पेमेंट को कर दे ज्यादा डिले ना करें ठीक है एक तरीके का मोटिवेशन दिया जाता है As discount is allowed at the time of making payment, so the entry for cash discount is recorded along with the entry for payment. ठीक है जब ये ये डिस्काउंट हमें कब मिलता है जब हम पेमेंट करते हैं इसीलिए हम इस एंट्री को जो कैश डिस्काउंट वाली एंट्री है इसको हम जनरल एंट्री में शो करेंगे ठीक है अपने जर्नरल्स में हम इसको दिखाएंगे जैसे कि आपको पता है डिस्काउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट एंड एज सच इट इज़ डेबिटेड वेन इट इज़ अलाउड टू कस्टमर एंड क्रेडिटेड वेन इट इज़ रिसीव्ड जैसे कि एक नॉमिनल अकाउंट है ठीक है और हम इसको डेबिट करेंगे जब ये अलाउ होगा एंड टू द कस्टमर और क्रेडिट करेंगे जब ये हमें रिसीव होगा क्योंकि डेबिट कब होगा भाई ये एक तरीके से हमारा खर्चा होगा क्यों क्योंकि हम इसको अलाउ कर रहे हैं और जब हम इसको रिसीव करेंगे एक तरीके से ये हमारी इनकम हो गई ठीक है तो इसको हम करेंगे क्रेडिट ठीक है अब इस पे भी हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इफ अ ट्रेडर सेल गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ twenty thousand एट ten percent ट्रेड डिस्काउंट एंड two percent कैश डिस्काउंट द अमाउंट विल बी calculated एज अंडर ठीक है सबसे पहले तो कि आपकी जो लिस्ट प्राइस है वो क्या है ठीक है, लिस्ट प्राइस है आपकी ट्वेंटी थाउजेंड उसके बाद आप सबसे पहले क्या करोगे हम सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस करते हैं ठीक है तो लेस कर दोगे आप ट्रेड डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट हमें दिया गया है टेन परसेंट ठीक है ट्वेंटी तो थाउजेंड का आप टेन परसेंट निकाल लोगे ठीक है अब आप इसको लेस कर दोगे लेस करके जो आपकी अमाउंट आएगी एटीन थाउजेंड ठीक है अभी हमारी एक तरीके से फाइनल पेमेंट हो गई बट हमें इसपे भी क्या मिला है टू परसेंट कैश डिस्काउंट मिला है क्योंकि आपने उस टाइम पे कैश पेमेंट कर दी तो फिर इसको भी हम क्या कर देंगे लेस कर देंगे और शो कर देंगे कैश डिस्काउंट एट टू परसेंट ठीक है अब आप एटीन थाउजेंड का टू परसेंट निकाल लोगे ठीक है आप कैलकुलेट कर लेना ये आ जाएगा हमारा थ्री सिक्सटी आप एटीन थाउजेंड में थ्री सिक्सटी लेस कर दोगे तो आपकी कितनी आ जाएगी सेवनटीन सिक्स फोर्टी ठीक है ये पेमेंट आ जाएगी जो कि आप करोगे अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जनरल ऑफ नरेश एंड कंपनी ठीक है तो सबसे पहले 2018 एटीन जून फर्स्ट पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हेम अब ध्यान से देखना ये डिस्काउंट वाले क्वेश्चन हैं तो इसको कैसे करेंगे पेड कैश ठीक है टू महेश एंड डिस्काउंट हमें क्या हुआ है भाई रिसीव हुआ है ठीक है फ्रॉम हिम तो इसकी जनरल एंट्री आप क्या पास करोगे जो इसकी एंट्री होगी वो क्या होगी हमारी महेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट हमें क्या हुआ है रिसीव हुआ है इनकम हो रही है ये हमारी ठीक है तो इसीलिए डिस्काउंट हम क्रेडिट करेंगे तो महेश में हमारा कितना है भाई हमें एक्चुअली में पेड कैश टू महेश कितना कैश पे करना था नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड हमने पे किया है जिसमें हमें डिस्काउंट मिला है फोर हंड्रेड का ठीक है तो महे, तो कैश में हमारा कितना आ जाएगा नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड और डिस्काउंट जो हमें रिसीव हुआ है कितने का डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है फोर हंड्रेड का डिस्काउंट रिसीव हुआ है जो ये टोटल पेमेंट आएगी वो हम लिख देंगे महेश में ठीक है टेन थाउजेंड क्योंकि हमें टोटल पेमेंट तो करनी थी टेन थाउजेंड बट हमें कैश हमने पेमेंट कर दी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तो फोर हंड्रेड का हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया एक तरीके से इनकम है तो बस अब हमें करनी है नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड की पेमेंट ठीक है अब सेकेंड एंट्री हम देख लेते हैं रिसीव कैश फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड टू हेम हमने रिसीव क्या किया है कैश रिसीव किया है फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट क्या हो गया भाई यहां पे अलाउड हो गया मतलब ये एक तरीके से खर्चा हो गया ठीक है तो इसकी जनरल एंट्री हम क्या पास करेंगे कैश अकाउंट खर्चा है भाई जा रहा है डेबिट डिस्काउंट अलाउड ठीक है डेबिट टू अरुण ठीक है अब कितने से हमने किया है रिसीव कैश फ्रॉम अरुण फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड हमने डिस्काउंट अलाउ कितना कर दिया भाई हंड्रेड ठीक है तो यहां पे हमारी जो फाइनल पेमेंट होगी वो कितने की है फाइव थाउजेंड ठीक है आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को अब नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं गुड्स सोल्ड टू हरीश अब हमने क्या किया है भाई यहाँ पे सामान को बेचा है गुड्स सोल्ड किया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हरीश टू सेल्स आ जाएगी हमारी ठीक है हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ठीक है कितने का हमने सामान इसमें खरीदा है आ, बेचा है थर्टी थाउजेंड का तो यहाँ पे अमाउंट लिख लो थर्टी थाउजेंड ठीक है उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं हरीश रिटर्न गुड्स हरीश ने जो हमने ऊपर क्या किया था बेचा था सामान उसने क्या कर दिया नेक्स्ट में हरीश रिटर्न गुड्स दो हजार टू थाउजेंड के गुड्स उसने क्या कर दिया रिटर्न कर दिया तो इसकी एंट्री क्या कर लोगे आप सेल रिटर्न हो गई हमारी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश अकाउंट ठीक है रिवर्स हो जाएगी जो हमारी सेल्स की थी हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया तो रिवर्स हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट टू हरीश अकाउंट ठीक है कितना सामान हमने वापस कर दिया है टू थाउजेंड का तो फिर टू थाउजेंड आप यहाँ पे लिख लोगे ठीक है अब नेक्स्ट में नेक्स्ट एंट्री में क्या बोल रहा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश अब हमने क्या कर लिया रिसीव कैश कर लिया फ्रॉम हरीश टू ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट यहाँ पे हमने फुल सेटलमेंट हो गई है हमारी मतलब अब हमें कोई लेना देना नहीं है हरीश से ठीक है हरीश ने हमें पूरी की पूरी जो पेमेंट थी वो हरीश ने हमें कर दी है तो इसकी एंट्री क्या करोगे आप कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ हो जाएगा यहां पे एक तरीके से खर्चा हो रहा है ठीक है तो इसीलिए हम इसको डेबिट करेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हरीश ठीक है अब पेमेंट देख लो ठीक है अब ऊपर हमें कितनी पेमेंट करनी थी भाई हरीश सोल गुड्स कितने में बेचा था थर्टी थाउजेंड में ठीक है उसने कितना रिटर्न कर दिया गुड्स हमें टू थाउजेंड के तो हम थर्टी थाउजेंड में टू थाउजेंड लेस कर देंगे भाई थर्टी थाउजेंड हम क्यों पेमेंट करेंगे दो हजार के तो उसने वापस कर दिया हमें सामान ठीक है तो यहाँ पे कितने आ जाएगी हमारी सॉरी ट्वेंटी एट ठीक है अब इतनी पेमेंट हमें करनी है ठीक है ये हमारी फाइनल पेमेंट है ट्वेंटी एट थाउजेंड ये हमारी फाइनल पेमेंट है जो हमें करनी है बट फुल सेटलमेंट हो गई हमारी कितने में ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड मतलब फाइव हंड्रेड का क्या कर दिया हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया ठीक है आ रही है बात समझ में तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे कैश में आप कितनी अमाउंट करोगे ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और डिस्काउंट हमने कितने का कर दिया भाई उसको फाइव हंड्रेड का तो फिर टोटल हरीश को कितनी करनी थी ट्वेंटी एट थाउजेंड ठीक है आ रहा है समझ में <coughs> उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ सिक्स थाउजेंड एट टेन परसेंट ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट आ रहा है हमारा हमने क्या किया है सामान बेचा है गुड सोल टू गोपाल किसको बेचा है गोपाल को बेचा है कितने में सिक्सटी थाउजेंड टेन परसेंट इस पे ट्रेड डिस्काउंट भी है तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी सिंपल सी हो जाएगी गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट ठीक है अब अमाउंट सिक्सटी थाउजेंड पे आप टेन परसेंट निकाल लो सिक्सटी थाउजेंड का टेन परसेंट कर लो कितना आ जाएगा सिक्स थाउजेंड अब सिक्स थाउजेंड इसमें से लेस कर दो तो कितनी अमाउंट आ जाएगी जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे फिफ्टी फोर थाउजेंड ठीक है आ रहा है समझ में उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम कर लेंगे परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड एट फिफ्टीन परसेंट ट्रेड डिस्काउंट अब हमने यहाँ पे परचेज गुड्स गुड्स को हमने खरीदा है ठीक है तो यहां पर क्या एंट्री कर लोगे आप भाई परचेज अकाउंट डेबिट फ्रॉम रवि यहाँ पे हमें कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कैश या कुछ और मतलब ये हमारी क्रेडिट परचेज है भाई तो इसीलिए हम टू रवि ठीक है कितने की ट्वेंटी खरीदा था लेकिन उस पर हमें फिफ्टीन परसेंट क्या मिल गया भाई ट्रेड डिस्काउंट मिल गया तो ये कितना आ जाएगा हमारा सेवेंटीन थाउजेंड ठीक है ट्वेंटी थाउजेंड पे आप निकालोगे फिफ्टी परसेंट फिर ट्वेंटी थाउजेंड में से वो अमाउंट लेस कर दोगे आपकी फाइनल अमाउंट जो क्या आएगी सेवेंटीन थाउजेंड ठीक है आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हमारा जो कि है बैड डेप वेन द गुड्स आर सोल्ड टू अ कस्टमर ऑन क्रेडिट जब हम कोई सामान कस्टमर को बेचते हैं क्रेडिट पे ठीक है एंड इफ द अमाउंट बिकम्स इन रिकवेबल ड्यू टू हिस्स इंसॉल्वेंसी और फॉर सम अदर रीजन द अमाउंट नॉट रिकवर्ड इज कॉल्ड बैड डेप्ट नाम से ही पता चल रहा होगा बेड डेप्ट मतलब की हमारे जो गंदे डेप्ट गंदे लोग जिन्होंने हमें पैसा नहीं दिया ठीक है उनको हम बोलते हैं बैड डेप्ट अब ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनको हम सामान बेचते हैं एंड ऑन क्रेडिट पे बेचते हैं एंड द अमाउंट बिकम्स इन रिकवेबल और अमाउंट हमें नहीं दे पाते वो लोग ड्यू टू सम रीजन ठीक है वो रिकवर नहीं हो पाती उसको हम बोलते हैं बैड डेप्ट बैड डेप्ट अकाउंट इज डेबिट एंड द कस्टमर अकाउंट इज क्रेडिट जो बैड डेप्ट अकाउंट होता है हम उसको डेबिट करते हैं और जो कस्टमर्स अकाउंट होता है हम उसको क्रेडिट करते हैं ठीक है आ रहा है समझ में आप लोगों को अब इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं बैड डेप्ट का कि ये कैसे होगा हमारा रवि हु ओव्ड अस टेन थाउजेंड इज डिक्लेयर्ड इन सॉल्वेंट एंड थर्टी पैसे इन अ रूपी इज रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट ठीक है अब ये कैसे करेंगे हम जो रवि था उसको हमने टेन थाउजेंड इज डिक्लेयर्ड इन सोलवेंट एंड थर्टी पैसे इन अ रूपी इज रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट ठीक है तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे हमने पहले ही ऊपर बता चुके हैं हम कि बैड डेप्ट अकाउंट को हम क्या कर देंगे भाई डेबिट एंड द कस्टमर्स अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट ठीक है तो कैश अकाउंट डेबिट ठीक है बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू रवियक ठीक है अब अमाउंट आप कैसे निकालोगे इधर टेन थाउजेंड इज डिक्लेयर इन सॉल्वेंट एंड थर्टी पैसे इन अ रूपी इज रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट ठीक है तो टेन थाउजेंड इंटू थर्टी बाई हंड्रेड ठीक है थ्री थाउजेंड है हमारा ठीक है तो टेन थाउजेंड में से थ्री थाउजेंड आप लेस कर लोगे तो कितना हो गया सेवन वो हमारा क्या हो गया बैड डेप्स एंड थ्री थाउजेंड हमें रिसीव हो गए हैं टोटल हमारी अमाउंट कितनी थी दस हजार दस हजार में से थ्री थाउजेंड हमें रिसीव हो गया सेवन थाउजेंड हमारे क्या हो गए बैड बैड्स बन गए जो कि हमें उम्मीद नहीं है कि हमें रिसीव होगा या नहीं होगा ठीक है हमें कुछ नहीं पता दिस इज रिकवरेबल अमाउंट ठीक है अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं बैड डेप्ट रिकवर्ड इट इज सो दैट द बैड प्रीवियसली ऑफ आर रिकॉर्डेड इन सच केसेस द फॉलोइंग एंट्री इज पास्ट अब जो हमने सोचा भी नहीं था कि वो हमें कभी मिलेंगे वो कभी हमें चुका पाएंगे वो अचानक से क्या हो जाता है भाई एक चमत्कार हो जाता है और वो पैसे हमें वापस मिल जाते हैं वो दे देता है वो कस्टमर चुका देता है ठीक है तो उस केस में हम एंट्री क्या करेंगे भाई रिवर्स हो जाएगी कैश अकाउंट टू बैड रिकवर्ड अकाउंट ठीक है कैश आप डेबिट करोगे एंड बैड डेब्स को आप क्या कर दोगे क्रेडिट कर दोगे ठीक है थैंक यू स्टूडेंट्स और आगे इसका नेक्स्ट और टॉपिक आएंगे जो कि हम स्पेशल एंट्रीज करेंगे सम स्पेशल एंट्रीज भी देखेंगे कि हम कैसे करेंगे उन पे भी हम एक रिविजन बनाएंगे तो आप प्लीज नेक्स्ट वीडियो भी हमारी देखना थैंक यू